भिलाई नगर थाने में एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया है। भिलाई नगर पुलिस द्वारा अन्य धाराओं सहित पास्को एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। कल भिलाई नगर थाना में एक मामला आया है जहां पे शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया है। तो इसमें 376 और पॉक्सो की धारा 4 और 6 में अपराध कायम किया गया है और आरोपी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है कल इस प्रकरण में और आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लड़की नाबालिग है इसीलिए इसमें पॉक्सो की धारा भी जोड़ी गई है। अभी लड़की का बयान भी होगा, 164 में बयान होगा जिसमें जिस तरीके से बताया जाएगा तो ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल जांच होगी, उस आधार पर अन्य धारा भी जोड़ी जाएगी। सर, राहुल नाम का लड़का है, मेरे को बोला कि मैं प्यार करता हूँ, मोबाइल के जरिए से मिला था मेरे से। उसके बाद बोला प्यार व्यार करता हूँ, शादी करूँगा, तो मैं बोली मैं नाबालिग हूँ करके, मेरी मम्मी मतलब कुछ कर देगी। तो बोलते मम्मी कुछ नहीं करेगी, एफ आई आर नहीं कराएगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को लेके गया अपने घर ले गया, तो उसकी मम्मी बोलती मैं नहीं रखूँगी, उसके बाद भगा दी। उसके बाद सेक्टर 7 में हम लोग मतलब रेंट पर रहते थे, उसकी मम्मी आना जाना करते थे हम दोनों, मम्मी पापा उसके, और रेंट का खर्चा वर्चा सब उन्हीं लोग देते थे, खाना पीना से लेके हर चीज़। उसके बाद ना वहाँ से मतलब मारपीट भी करता था मेरे साथ बहुत रोज़। उसके बाद वहाँ से भी हम लोग को भगा दिया, क्योंकि मारपीट करता था, मोहल्ले वाले लोग बोलने लगे कि मतलब हल्ला गुल्ला होता था, अच्छे लड़के लोग नहीं है, अच्छे फैमिली नहीं है। तो हम लोग कुर्सी पार में भी घर लिए, वहाँ रहे। तो सर मैं प्रेगनेंसी थी, 2 महीने की प्रेगनेंट हो गई थी, तो वहाँ पे उन लोग आए उसके घर वाले और बोलते कि खा ले गोली खा ले, मतलब बच्चा अच्छा भी रखने की तुम लोग की उम्र नहीं है, कमाता धमाता नहीं राहुल, हम तेरे को रखेंगे करके घर पे। तो मैं बोली नहीं। उसके बाद फिर लोग गोली मतलब लाए, 4 गोली थी सर, 5 गोली थी, एक तो ज़बरदस्ती हाथ पर पकड़ के मेरे को खिलाए उन लोग। उसके बाद एक गोली खाया और खिलाया। उसके बाद बोलते हैं कि अब एक बच्चा गिरी गया तो चारों गोली खा ली। उसके बाद मैं बोली भी कि मेरे को अभी रख लो करके, तो बोलते कि नहीं अभी नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर ना ब्लीडिंग होते होते भी सर वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मैं बहुत रोकती थी बहुत, लेकिन मेरे को तकलीफ भी होती थी, लेकिन फिर भी वो मैसेज करता था। उसके बाद कुछ दिन बाद छोड़ के भाग गया और अपने माँ बाप, उसके माँ बाप उसको हमेशा लेके चल जाते थे मेरे पास से, बोलते हैं इस लड़की को छोड़ दे, अच्छी नहीं। उसके बाद मैं उसके घर गई थी सर कि मेरे को मतलब राहुल यहीं रह रहा है तो मेरे को भी रख लो, तो ना बोलते कि चल तेरे जैसे मेरा बेटा बहुत लड़कियों के साथ सोता है, तू क्या है, बोलते हैं तेरे तो बस बच्चा गिराने का प्लान था, बच्चा गिरा दिया, अब तेरे को हम लोग नहीं रखेंगे। सर इन लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़के के खिलाफ करो, माँ बाप मतलब जो उन लोग मेरा बच्चा गिराए उन लोगों के खिलाफ नहीं, उन लोगों का नाम ही नहीं लिख रहे। मैं चाहती जो मेरा मतलब जो दुनिया में आया नहीं उससे पहले उन लोग उसको मार दे, तो मेरे को इंसाफ चाहिए, जो मेरे बच्चे को मारे उन दोनों के खिलाफ। उसकी 20 किस होगी सर।